नहीं, मैंने ये फिल्म देखी और बहुत कमाल की फिल्म है, और मैं समझता हूँ हंसल ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मनोज जो सब लोग जानते हैं हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, उन्होंने क्या किरदार निभाया है और क्या खूबसूरती से फिल्म लिखी गई है, तो मैंने बहुत एंजॉय की और मुझे बहुत खुशी है यार कि इस फिल्म को इतने एक्यूलेट्स मिल रहे हैं, दुनिया भर में लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, मनोज के काम की तारीफ हो रही है, हंसल के काम की तारीफ हो रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी और दोस्तों के साथ उनकी खुशी में शामिल होने हम यहाँ आए। बिल्कुल, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए यार, और अब मुझे लगता है बढ़ावा मिल भी रहा है। आप जितने इतने सारे लोग आज यहाँ अलीगढ़ को सेलिब्रेट करने आए हैं, उस फिल्म को इतने सारे एक्यूलेट्स मिले हैं, इतने सारे फेस्टिवल में फिल्म को पसंद किया है, हिंदुस्तान में क्रिटिकल अक्लेम फिल्म का बहुत कमाल का था, मनोज के काम की बहुत तारीफ हो रही थी, एक नई तरह की फिल्म थी, हंसल के काम की बहुत तारीफ हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्यूलेट्स जो बढ़ावा जिसे आप कह रहे हैं वो ज़रूर मिल रहा है आजकल। मतलब आई एम हैव टू टॉक अबाउट अलीगढ़ यार, जॉली का टाइम आएगा तो बात करते हैं जॉली का। नहीं, आप जैसे लोग कहते हैं अच्छा ट्रेलर है तो मानने का मन करता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग मजाक नहीं कर रहे। बट ऑन ए सीरियस नोट, वी आर वेरी हैप्पी, माई प्रोड्यूसर्स कास्ट अक्षय एंड एवरीबडी वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी गेटिंग फॉर जॉली एलएलबी 2 ट्रेलर। थैंक यू वेरी मच। हाय, ऑब्वियसली बड़ी कमाल की फिल्म है एंड मनोज सर का मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी परफॉर्मेंस सबको ही जानता है बहुत अच्छी, एंड आज बहुत खुशी है इतना बड़ा अवार्ड हमें मिला है, एंड वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट। यार एक्चुअली अवार्ड्स मिले ना मिले, आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस बात करती है, सो आई थिंक कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो एक अवार्ड से सीमित नहीं की जा सकती, बट हाँ डेफिनेटली आई थिंक इंडस्ट्री जो है वो हर तरह की फिल्म के लिए खुल रही है, एंड आई एम श्योर इस तरह की फिल्मों के भी आगे यहाँ पर भी और अवार्ड्स हैं। थैंक्स लॉट। हाँ श्योर। यार अभी तक तो अच्छी जा रही है, वी अभी एक शेड्यूल हमने रैप किया है एंड जनवरी में नेक्स्ट शेड्यूल है, सो या अच्छा मेरे लिए यार दे रहे प्लीज़ यार। हाँ यार रोमांटिक कॉमेडी है एंड लोगों को पसंद आनी चाहिए। What do I want to say? Yeah, I think it's a great film. And Hansal Mehta, I think, is one of the most amazing, beautiful directors we have. And I love watching his films. I loved Shahid. And this is just another amazing, beautiful film on made on such an amazing, beautiful subject. And so sensitively made, so well made. And of course, we can't stop talking. When you talk about Aligarh, you have to talk about you have to talk about Manoj Bhai. I think he gave a one of his best performances of his career. And so it's good that such films are celebrated, such films are being made, and there's a beautiful party here for that. So I'm not doing a film with Tapsi. We did that film 3 years back. But I think अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। 2017 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, 2 जून या 3 जून को हमारा प्रोमो आएगा, एंड आई होप आप लोगों को पिक्चर अच्छी लगे, लोगों को अच्छी लगे। थैंक यू। फोटोज Only film. 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 Only
इस तरह की फिल्मों को काफी सहारा जा रहा है, तो आपके साथ क्या लगता है सिनेमा में जो चेंजेस आ रहे हैं, काफी बढ़ोतरी हो रहा है और आगे भी मैं चाहूँगा कि हर तरह की फिल्में बने हिंदुस्तान के अंदर और पब्लिक उसको पसंद करे, अच्छी फिल्में बने। इंडियन ऑडियंस बहुत एडवांस्ड है, हम उसको गलत समझते हैं जब हम कहते हैं कि उसको सिर्फ एक ही तरह की फिल्में पसंद हैं। ये काफ़ी धक्कियानुसी टाइप का ख्याल है, तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि डिफरेंट तरह की फिल्मों को, यानी कि जिस फिल्म को हम समझते हैं कि वो उतनी पॉपुलर नहीं होगी उसको भी पॉपुलैरिटी हासिल होती है, तो बहुत खुशी की बात है। टाइटल वाइटल नहीं, नथिंग हैज बीन डिसाइडेड एंड दिस इज रियली नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट। जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन दैट यू नो सलमान बीइंग लाइक यू नो एज लाइक द वन एंड ही लॉन्च्ड दैट पोस्टर, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस एंड वार्मथ दैट ही डिड। Did you like it the way he did it? Like it was like yeah, it was very nice. All right, so thank you. Chalna kar bait sir.